अगला सवाल है ओनली आईएएस का, आई वॉन्ट टू सी द सैलरी स्लिप ऑफ बिफोर एंड आफ्टर प्रमोशन, इज ही प्रमोटेड और नॉट येट। सैलरी स्लिप तो अभी नहीं होगा, सैलरी के बारे में तो आपने बता दिया, फिर एक बार फिर से बता दीजिए ऐसे। आवर सैलरी स्लिप इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन, नॉट एनी वन फ्रॉम आउटसाइड मिनिस्ट्री कैन सी दैट, फर्स्ट थिंग वॉज। सेकेंड थिंग, वैन यू आर पोस्टेड इन न्यू डेल्ही ऑफकोर्स यू विल गेट सैलरी ऑफ योर ग्रेड, लाइक वी कॉल इट इंस्पेक्टर्स ग्रेड। इफ यू आर आउटसाइड ऑलमोस्ट इन इनिशियल पीरियड यू विल गेट $2700 और $2700 प्लस माइनस और समथिंग। दोस्तों ये तो बात थी उनकी इनहैंड सैलरी की, उन्हें सैलरी कितनी मिलती है। दो बातें रह गई थी बताना जो कि मैं वीडियो में ऐड नहीं कर पाया। कि पहला तो ये उनकी जो सैलरी है वो कम्प्लीटली ऑफिशियल है, ये बिल्कुल व्हाइट मनी है, मैं आपको क्लियर कर दूं। और भी कई सारे एसओज होते हैं जिनकी सैलरी इससे भी ज्यादा होती है, डिपेंडिंग कि वो किस कंट्री में पोस्टेड है, पहली बात। और दूसरी बात जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इस पैसे पे, इस ऑफिशियल पैसे पे उन्हें एक रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना बड़ा ये एड है आप समझ सकते हैं, एक रुपया भी टैक्स नहीं। इंडियन गवर्नमेंट का ये रूल है कि फॉरेन में कमाए गए पैसे पे आपको एक रुपया भी टैक्स नहीं लगता है। ये एक रेसिप्रोकेशन एक टर्म होता है, वो एक्सप्लेन किया था उन्होंने। और जो इंटरव्यू मैंने उनका लिया है वो मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, मतलब सुन के मुझे इतना मजा आ रहा था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूं। तो वीडियो बहुत जल्द आएगा पूरा इंटरव्यू, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एक मोटिवेशन मिलेगी, एक और रीजन मिला होगा आपको इस पोस्ट को हासिल करने का। और मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप इस पोस्ट तक पहुंचे अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक।